हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पॉइंट शामली पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जाट कॉलोनी शामली में पाइप डालने के लिए। हम पाइप के सबसे पहले मार्क कर लेंगे कहाँ पे हमारे फैन बॉक्स हैं और कहाँ पे कंसील्ड लाइट, और सभी निशान को अच्छे से लगा लेंगे। लैंटर 6000 स्क्वायर फुट है, जिसमें 3 रूम, 1 किचन, 1 लॉबी, रूम के साथ ही वॉशरूम अटैच है। जितने भी हमारे निशान हैं, निशान के ऊपर अगर कोई रिंग या सरिया रहा है तो उसे हटा लेंगे हथौड़े की मदद से, और अपना निशान बिल्कुल सही कर लेंगे ताकि हमारा फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स सरिये पर ना आए, और तार को अच्छे से बांध देंगे ताकि बॉक्स रखने में कोई दिक्कत ना हो और पाइप आराम से डले। जितने भी हमारे निशान हैं, अब उन्हें हम पेंट से पक्के कर लेंगे ताकि पाइप डालने में हमें आसानी होए और पता रहे कहाँ पर लाइट है और कहाँ पर फैन बॉक्स। हमने जितने भी लाइट के बॉक्स हैं वे छोटे निशान बनाए हैं, और जितने फैन बॉक्स हैं उनके बड़े निशान बनाए हैं। लगभग इसमें 22 फैन बॉक्स, 35 कंसील्ड लाइट हैं। जितने भी लाइट हैं, लाइट के निशान थोड़े छोटे बनाए हैं और फैन बॉक्स के निशान बड़े बनाए हैं। पाइप डालते समय हमें पता रहेगा लाइट कहाँ पे है और फैन बॉक्स कहाँ पे है। हमारे निशान पूरे हो चुके हैं, अब हम जहाँ पे फैन बॉक्स है वहाँ पे फैन बॉक्स रख देंगे, और जहाँ पे कंसील्ड बॉक्स है कंसील्ड रख देंगे। ये देखिए, फैन बॉक्स रख चुके हैं, इसी तरह कंसील्ड भी रख चुके हैं हम। चलिए, पाइप डालने शुरू कर दिए हैं। ये रूम है हमारा, एक रूम में फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी कंसील्ड नहीं है। जितने भी लाइट आएंगी वे सीलिंग में आएंगी इस रूम की, सिर्फ दीवारों के पॉइंट उतारने हैं, और जितने भी पॉइंट हैं हमारे सब बीम के अंदर हैं। तो जितने भी हमारे डाउन आएंगे सब बीम के अंदर ही आएंगे। बीम के अंदर जितने भी डाउन उतारेंगे उन्हें अच्छे से टेप कर लेंगे और अच्छे से बैंड में फंसा देंगे ताकि हमारा डाउन इधर उधर ना खिसके, अपनी जगह पे ही रहें। देखिए, यहाँ पर कंसील के ठीक सामने ही एक सरिया आ गया है और पाइप लगने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। बारीकी की मदद से हमने ये पाइप लगाया है। ये रूम के साथ का जॉइंट बाथरूम और ड्रेसिंग रूम है। 3 रूम हैं इसमें, 3 रूम में से 1 रूम में ही लाइट है, बाकी 2 रूम में लाइट नहीं है। लैंटर में जो भी लाइट है वे सीलिंग में ही आएगी। रूम के अंदर तो सिर्फ दीवारों पर ही डाउन उतारने हैं। वॉशरूम के अंदर सिर्फ लाइट है, एक एक फैन बॉक्स है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मेन जंक्शन होगा। यहाँ पे मेन 2 जगह उतारनी है। सभी रूम में से अलग अलग मेन
निकाल रखी है ताकि वायरिंग करते समय टाइम भी बचे और सीधी वायरिंग मेन बोर्ड से रूम में पहुंचे, जिससे हमें भी आसानी होगी और काम भी जल्दी से हो जाएगा। पाइप के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखें ताकि मसाला भर सके। पांच पाइप हमने ऊपर की मंजिल के लिए निकाले हैं ताकि ऊपर मंजिल बने तो हम नीचे वाले मेन बोर्ड से अपनी लाइन को ऊपर निकाल सकें। सभी पाइपों को अच्छे से बांधना है ताकि कोई भी पाइप हिले डुले नहीं और फैन बॉक्स या कंसील्ड लाइट बॉक्स में से निकले नहीं। डबल करेंक का जाल है ये। जब पाइप डालते हैं तो पाइप का हमेशा ध्यान रखें कि पाइप सरियों के बीच में ज़्यादा दबा तो नहीं, जिसके कारण पाइप मुड़ सकता है या कट सकता है तो वो पाइप बेकार हो जाएगा और फिर वायरिंग करने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी पाइप लगाए उसे अच्छी तरह से देखकर ही लगाएं। हमेशा जितने भी हमारे जो बीम के अंदर डाउन आते हैं पाइप को अच्छे से बांध दें ताकि जब वाइब्रेटर चलता है तो हमारे जो बीम के अंदर पॉइंट लगा हुआ है वो हिले नहीं और अपने सेंटर से आउट ना हो। बाद में फिर जहाँ पे निशान लगा है वहाँ पे नहीं आता, आउट आता है। ये देखिए हमारे पाइप सब लग चुके हैं। रूम से और किचन से लॉबी से हम एक मैन निकाल कर ले आए हैं और आपस में एक दूसरे फैन बॉक्स को भी जॉइंट कर दिया है और डिश वगैरह के लिए भी हमने ऊपर पाइप निकाल दिए हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। हमेशा ध्यान रखें पाइपों को फैन बॉक्स के अंदर अच्छे से जो कटिंग करें ताकि कोई फैन बॉक्स के अंदर से जो पाइप है वो निकले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पाइप छोटा कट जाता है तो वो बाहर निकल आता है उसमें से। ये देखिए सब फैन बॉक्स को हमने एक दूसरे से भी जॉइंट कर रखे हैं ताकि हमारा कोई पाइप टूट जाए तो हम दूसरे पाइप की मदद से वायरिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी मेन है, ये पीछे की साइड का हिस्सा है क्योंकि कंफर्म नहीं है कहाँ पे मेन बोर्ड बनेगा, इसलिए हमने दो जगह मेन जंक्शन बनाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी हमने डाउन या कोई कंसील बॉक्स रह गया था उनके निशान लगा रहे हैं। निशान लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है लैंटर के नीचे हमारे
पाइप कहाँ पर है, फैन बॉक्स कहाँ पर है और कंसील बॉक्स कहाँ पर है। ये हमारी लॉबी है, इसमें तीन फैन बॉक्स और चार कंसील बॉक्स हैं। इसी के सामने ये एक रास्ता है, इसमें भी तीन फैन बॉक्स हैं। ये हमारा एक खुला एरिया है डबल हाइट का, जिसमें डबल हाइट के हिसाब से ही हमने काम कर रखा है। इसके नीचे छत नहीं है, सेटरिंग ऊपर से नीचे तक एक ही है। चलिए अब एक और दिखाते हैं। ये हमारा यहाँ पर स्टोर है, स्टोर में भी चार लाइट हैं, एक फैन बॉक्स है। और अब हम चलते हैं पीछे की साइड, यहाँ पे हमारा मास्टर रूम है। मास्टर रूम में तीन फैन बॉक्स हैं, ये देखिए ये हमारा मास्टर रूम है। इसमें तीन फैन बॉक्स, चार कंसील लाइट और बाथरूम टॉयलेट जॉइंट है इसमें। हर बाथरूम में एक या दो लाइट और एक फैन बॉक्स है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं वायरिंग पर।